मॉर्निंग गाइस, मैं संदीप सिंह एवर फिर आपके सामने एक नए एडिटोरियल पेज के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी ही आपके भौगोलिक स्तर पे बातें हो रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न कि देर इज ए लोअरिंग इन द वैल्यू ऑफ रुपी एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। द करेंसी रुपी जो हम लोग हमारे इंडिया में यूज़ होता है, वो उसमें क्यों वैल्यू में कमी आ रही, क्या कारण है इसका, आज हम कारण पे बात करेंगे। देखिए, आप लोग हमारे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, एक जहाँ पोस्टर लगा रहता है, वाइट पेपर लगा होता है, वहाँ आज कुछ और लगा है। इसका कारण यह है कि मेरा वाइट पेपर ख़राब हो गया है, गिर गया है, इसलिए मैं वीडियो आज ऐसे बना रहा हूँ। कोई कमी उमी हो बताइएगा, आई विल ट्राई टू मेंड इट एज पॉसिबल। तो हम बात कर रहे थे क्या कारण है कि जो हमारे देश में करेंसी यूज होती है रुपया, उसमें लोअरिंग हो रही है, गिरावट हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ये सूचना आई है वित्तीय विभाग की तरफ से कि ऐसा हो रहा है। तो अभी तक ये कांस्टेंट थी, लगभग कुछ महीने पहले ये काफ़ी समय तक लगभग कांस्टेंट थी, कोई गिरावट नहीं आ रही थी। लेकिन इस समय व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लोअरिंग ऑफ द करेंसी रुपी एज कम्पेयर टू अदर करेंसी एज फॉर एग्जांपल डॉलर की अपेक्षा। देखिए, सबसे बड़ी बात लोग मानते क्या हैं, लोगों की क्या सोच है। लोग मानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन GST इज द मेन काज फॉर द लोअरिंग इन द करेंसी रुपी, बट वी कैन से डीमोनेटाइजेशन एंड GST, बट आफ्टर डैट अलॉन्ग विद डीमोनेटाइजेशन एंड GST देर इज समथिंग सम अदर रीजन डैट विल बी द काज ऑफ द लोअरिंग इन द करेंसी रुपी। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे देश में नहीं, अगर आप देखेंगे अर्जेंटीना में जो यूज होता है, यहाँ तक कि बर्लिन में, ईरान में, आप कहीं भी देखेंगे, वहाँ भी जो करेंसी वहाँ यूज होता है, वहाँ भी, यहाँ की टर्किस में, तो यहाँ देखेंगे आप, वहाँ भी जो करेंसी यूज होता है उसमें गिरावट आई है। उसका मेन कारण है यार, देख रहे हैं आजकल मैं अभी बता भी चुका हूँ कि ट्रेड वार जो US और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, उसके कारण काफ़ी गिरावट आई है। और देखिए, एक बड़ी चीज़ आपको बता दूँ, चीन में जो मुद्राएँ चलती हैं, करेंसी, उसका नाम है युआन। युआन में भी कुछ कमी आई है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या हमेशा जो आपके करेंसी में कमी आती है उसका हमेशा एक निगेटिव सेंस होता है? नहीं, लोग कभी कभार देश जानबूझ के अपनी करेंसी में एकदम लोअर्टी लाते हैं, कमी लाते हैं। उसका कारण है, वे लोग अपने जो एक्सपोर्ट, उनको एक्टिविस्ट करना चाहते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके अपना इन्वेस्ट करें, इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाएं। तो लोग एक्सपोर्ट को एक्टिविस्ट करने के लिए, जो निर्यातक लोग हैं उनको एक्टिविस्ट करने के लिए अपने करेंसी में गिरावट लाते हैं। लेकिन जब अपने आप करेंसी में गिरावट होती है, वो होता है जो भी बाज़ार मार्केट वैल्यू की कमी की वजह से, या आपके यहाँ से जो भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, अपना विड्रॉल कर रहे हैं, तो इन सब कारणों से होता है। तो ट्रेड वार इज़ द मेन रीज़न, आप लोग देख ही रहे होंगे ट्रेड वार, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कारण, अगर मैं देखिए जो एडिटोरियल पेज आता है, इसमें एक पर्टिकुलर आदमी का, एक पर्टिकुलर जो भी जिस क्षेत्र में होते हैं, अपनी राय देते हैं। तो मैं, अगर मुझे अपना राय रखना हो, तो मैं मानूंगा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, देश या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तभी बेहतर चल सकता है जब आप लोग के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। आप पिछला भी इतिहास उठा के देख लेंगे, तो जहाँ भी लड़ाई का मेन कारण हुआ है, वह हुआ है कि आपके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपके विचार अलग अलग हैं। जब विचार अलग होते हैं, तब लोगों की बातें भी अलग होती हैं, तब आपस में खटास आता है, देर इज डैट बिकम द काज ऑफ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। तो अपने विचार को, एक सेम विचारधारा में चलना होगा, एक सेम आइडियोलॉजी को अपनाना होगा, तभी जाके अपना हर देश विकास करेगा। अब जैसे भारत के, तो लाट कट गई है, आज हम वीडियो यहीं रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।